हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस से एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के ऊपर। तो आज मैं एक और नया आप लोगों को टॉप बेस्ट सर्वर बताने वाला हूँ। ज्यादा वेट ना करते हुए चलते हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और इनका सर्वर ज्वाइन करने के लिए आप लोग को डिस्कॉर्ड मेरा लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है, या फिर इनका सर्वर का डिस्कॉर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं इनका इनका डिस्कॉर्ड में। तो मैं आ गया उनका डिस्कॉर्ड में। तो इनका सर्वर का नाम है, तो इनका डिस्कॉर्ड का नाम है एडिस क्लाउड। तो चलते शुरू करते हैं, इनका बारे में बताते हैं आप लोगों को क्या क्या इनमें खास है। तो इधर पहले आप लोगों को दिख जाएगा कुछ स्टेप्स है इनका डिस्कॉर्ड का कुछ। इधर आप लोग को फ्री रिवॉर्ड करके दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग 10 इन्वाइट करेंगे तो 100 कॉइन, 30 इन्वाइट करेंगे 300 कॉइन, ऐसे कॉइन मिलेगा आप लोग को। और अगर आप लोग बूस्ट करते हैं लोग को सर्वर, तो 500 पॉइंट टाइप लोग कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, तो आप लोग कैसे चाहेंगे लिंक मिलेगा। तो लिंक पे आप लोग को इधर क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग इधर दिखेगा फ्री डैशबोर्ड, ये सब दिखेगा। तो चलते हैं हम लोग फ्री वाले डैशबोर्ड पे। फ्री वाले डैशबोर्ड पे जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा लॉगिन वाला ऑप्शन। तो लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को डायरेक्ट लॉगिन होगा डिस्कॉर्ड के थ्रू। तो आप लोग को ऑथराइज इसको दे देना है, जो ऑथराइज मांगता है डिस्कॉर्ड थ्रू डायरेक्ट लॉगिन। तो ये मेरा खुल गया डिस्कॉर्ड का लॉगिन पेज। तो इसको कर देते हैं ऑथराइज, दे देते हैं ऑथराइज, दे देने मतलब आप लोग को इधर लॉगिन हो जाएगा सिंपली। और लॉगिन हो जाने का आप लोग के पास इधर आ जाएगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आप लोग को 1 कोर दिया हुआ है, 3 GB दिया हुआ है, और 10 GB दिया हुआ है, 1 स्टोरेज दिया हुआ है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आप लोग को इधर ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा 3 डॉट दिख रहा होगा। तो इस 3 डॉट पर आप लोग को क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखेगा थर्ड में डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप लोग को पहले यहाँ पे सर्वर का नाम, सीपीयू और रैम और डिस्क डालना है। जो आपका पहले में दिया हुआ है वही आप लोग को डाल देना है। अगर आप लोग को उससे कम डालना है तो कम डाल सकता है, तो मैं डाल देता हूँ जितना उसमें लिखा हुआ था उतना ही मैं डालता हूँ। एक था सीपीयू, और 3 RAM, 10 GB टिक्स, और इधर कुछ चेंजेस नहीं करना है, जर्मनी में ही रहने देते इसको। स्प्लिट पेपर ठीक है, तो करते हैं सर्वर को क्रिएट। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया क्रिएट। और आप लोग को इधर थोड़ा नीचे आ जाना जहाँ पे आप लोग को दिखेगा सर्वर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का सर्वर दिख रहा है 13 दिन एंड 24 आवर्स। रीन्यू करना होता है 13 दिन के बाद आप लोग को इसको रीन्यू करना पड़ता है। अगर रीन्यू नहीं करता है तो फिर आप लोग का ये सर्वर चला जाएगा। तो आप लोग को इधर दिखेगा, आप लोग को इधर सेटिंग दिखेगा। तो सेटिंग में पहले आ जाना है, और सेटिंग में आने के बाद आप लोग को इधर आप लोग को मिल जाएगा अपना यूजर और पासवर्ड मिलेगा। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो मैं इधर अपना यूजर को कॉपी कर लेता हूँ। यूजर को कॉपी करने के बाद इसका पासवर्ड को जनरेट करता हूँ, रिसेट अकाउंट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक पासवर्ड मिलेगा। तो पासवर्ड को इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको कॉपी करने के बाद चलते हम लोग अपना डैशबोर्ड में, पैनल में, सॉरी, हम लोग सीधा अपना पैनल के ऊपर। तो पैनल में आने के बाद आप लोग को जो पासवर्ड यूजर कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना। तो पहले मैं अपना पासवर्ड को इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे यूजर को पेस्ट कर देता हूँ, और कर देता हूँ लॉग इन। लॉग इन हो जा हो गया। तो ये हो गया मेरा लॉग इन सर्वर। तो जैसे तो मेरा हीरो ब्राई का सर्वर लॉग इन हो गया है। तो चलते हैं सर्वर के अंदर घुसते हैं और करते हैं सर्वर को। यहाँ पे कुछ अगर ट्रबल तो इशू दिखेगा तो 1-3 बार रिफ्रेश एक बार कर लीजिएगा तो हो जाएगा ठीक। मेरा भी ट्रबल इशू आ रहा था तो मैंने 2-3 बार रिफ्रेश किया तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा सर्वर, तब करते इसको स्टार्ट।
और आपको कोई थ्राइस मिलेगा तो थ्राइस को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो रहा है सर्वर स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रैम मेमोरी सब यूज हो रहा है, मतलब वो 1 GB तो आप लोग का ऐसे ही ले लिया है, यानी कि आप लोग को 2 GB मिला है एक्स्ट्रा, आप लोग ये सोच सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया सर्वर स्टार्ट। तो अब चलते हैं हम लोग इधर अपना फाइल में। फाइल में जाने के बाद आप लोग को पहले ये कर लेना, अगर आप लोग क्रैक वर्जन ये सब खेल रहे हैं तो फिर आप लोग को पहले सर्वर प्रॉपर्टी में जाके गेम मोड को कर देना है फॉल्स, सॉरी ऑनलाइन मोड को, जल्दी से गेम मोड बोल दिए। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऑनलाइन गेम ऑनलाइन मोड को खोजते। तो ये रहा मेरा ऑनलाइन मोड, इसको काट के कर देता हूँ फॉल्स। तो फिर इसको फॉल्स कर देने के बाद सिंपली आप लोग को सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आप लोग को इधर चले जाना है वापस फाइल में। फाइल में वापस जाने के बाद प्लगइन में जाना। प्लगइन में आप लोग को जो जो प्लगइन डालना है, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ यूजर एमसी, ये सब डाल रहा हूँ, वीगा ये सब डाल देता हूँ, क्योंकि मैं फोन में खेल रहा हूँ तो फोन में एग्जिस्ट करने के लिए तो उनको यूजर ये सब का थ्रू चाहिए होगा। फिर सबको मैं डाल देता हूँ। तो ये चारों में अपलोड कर देता हूँ। तो जब हम लोग यहाँ पे अपलोड हो रहा है तब तो देखते हैं कितना अपलोड हुआ। तो हमारा एक अपलोड हो गया, ये दूसरा भी लगभग हो गया अपलोड हमारा। और बचा ऐसे 2 गो बचा है हम लोग अपलोड होना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें डिस्काउंट जोन पे हो जाएगा। ऐसे ऐसे न्यू न्यू वीडियो के लिए हम लोग पहले ही अपलोड कर देते अपने डिस्कॉर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग का सारा फाइल अपलोड हो गया। तो अब एक बार रीस्टार्ट कर देते सर्वर को। तो यहाँ पे हम लोग का हो रहा है सर्वर रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जैसे आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यूजर को आप लोग को सेटअप करना होता है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को कैसे कैसे सेटअप करना है अगर आप लोग को नहीं पता है तो। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग सर्वर हो गया स्टार्ट। तो एक बार प्लगिंग पीएल लिख के चेक कर लेते, प्लगिंग हम लोग का चल रहा है क्या। तो यहाँ पे उनका प्लगिंग ले लिया सारा। तो अब चलते फाइल में वापस। फाइल में हम लोग को जाना है प्लगिंग के अंदर। एक बार आप लोग को कॉपी कर लेना अपना आईपी और एड्रेस, उसके बाद चलते फाइल में। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को चलना है प्लगइन के अंदर, गीजर के अंदर, गीजर स्प्लिट आप लोग को मिलेगा उसके अंदर जाना है और कॉन्फ़िग YTML पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग को पहले दिखेगा पोर्ट, तो पोर्ट को काट के जो आपका एड्रेस आईपी एड्रेस मतलब सर्वर का पोर्ट है वो डाल देना। तो मेरा है 19245 19245, इसको डाल दिया मैंने। और इधर आप लोग को नीचे और जाना है, और नीचे जाना है। इधर आप लोग को एक दिखेगा एड्रेस, एड्रेस पे आप लोग का जो आईपी एड्रेस है यानी गेम का जो एड्रेस दिया हुआ है आईपी एड्रेस, वो एड्रेस को डाल देना और पोर्ट को यहाँ से काट देना। और आप लोग को एक और नीचे दिखेगा पोर्ट दिखेगा, इस पोर्ट पे आप लोग को यहाँ पे दिया होगा 6 डाला होगा। तो
सिक्स को काट के आप लोगों का देना है, सेवन का देना है। तो चलते हम लोग भी अपना इसको चेंजेस कर देते हैं पोर्ट को। तो यहाँ पे हम लोग को कर देना है इसको काट के सेवन सेवन। तो ये भी हो गया हम लोग का काम। तो आप लोग का एक और काम करना है, थोड़ा इधर नीचे जाना, यहाँ पे ऑथोराइज टाइप दिखेगा, तो यहाँ पे इसको काट के कर देना, फ्लूट की जर कर देना। इस फ्रूट की जर लिखने के बाद आप लोग को कर देना है इसको सेव। इसको आप कर देना है इस कंटेंट को सब। और इधर आप लोग को कुछ चेंजेस नहीं करना, अगर आप लोग कुछ चेंजेस कर दे तो शायद हो सकता है सर्वर ज्वाइन ना हो, तो कर देते हैं इसको पहले सेव। और एक बार आप लोग को वापस रिस्टार्ट कर देना है सर्वर को। तो चलता हम लोग रिस्टार्ट करता सर्वर को अपना। तो यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग का जब तो रिस्टार्ट हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट पे जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो। कुछ कमी है मेरा वीडियो में तो जरूर ये बताइएगा क्या कमी है मेरा वीडियो में, ऐसे मैं आप लोग को इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग का लगभग लगभग हो ही गया सर्वर रिस्टार्ट। तो हो गया हम लोग का लगभग सर्वर स्टार्ट। तो चलते हैं आप लोग का दिखाते हैं गेम के अंदर कैसा चलता है गेम। तो ये रहा माइनक्राफ्ट। तो ये स्टार्ट हो रहा मेरा माइनक्राफ्ट। तो चलते सर्वर वाले ऑप्शन पे, सर्वर पे जाके करते सर्वर एक क्रिएट, ऐड न्यू सर्वर। और यहाँ पे एक एड्रेस, सर्वर एड्रेस को पेस्ट कर देता, पोर्ट को यहाँ से काट के जो दिया वो इसको लिख देता 245, इसको काट दिया। अब यहाँ से पोर्ट को काट देता हूँ यहाँ से, और जो सर्वर आपको नाम रखना है उस सर्वर का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग सर्वर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग क्लिक इस पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का सर्वर ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का कितना बढ़िया चल रहा है, लगभग तो लैग वैग तो कुछ कर नहीं रहा है, नो चंक भी लोड ले ले रहा है तुरंत, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, टेकनेस तो लगने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और आपका प्रोसेसर या फिर इस सब पे अगर डिपेंड करे कैसा आप लोग का चलता है फोन, या फिर अगर आप लोग का नेटवर्क से नहीं चलता तो पिंक से नहीं आ पा। तो यहाँ पे चलते हैं स्केलेटन से फाइट लेता है। क्लिक हो जा, आ गया मैं नेटवर्क चला गया क्या, तो नेटवर्क जा रहा था मेरा। बाय बाय बच के मरना नहीं है, मार मार मारो 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 मार जा।
मैं मरा दो आ गया, तो आ गया, भाग 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 भागो तो भागो तो मैं यहाँ पे मर गया था। और ये लोग से थोड़ा बच्चा तो पहले, उसके बाद अब लोग को इधर दिखाऊंगा केटी मोटी सब के। तो यहाँ पे मैं कवर में आ गया, यहाँ पे पॉप अप में निकाल लेता अपने और इसको और लोड होने देता हूँ। लोड हो जा, तो यहाँ पे आप डाल देता हूँ op.crazykiller। तो ये डाल के इसको मैं कर देता हूँ इंटर। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है डॉट इस सब डालने में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कैसे आप लोग इस सब डॉट इस सब को हटा सकते हैं अपने सर्वर से, वो भी पॉकेट एडिशन। जैसे आप लोग ज्वाइन करते पॉकेट एडिशन वाले लोग तो उनका डॉट आने लगता है, पीसी वाला का तो कुछ नहीं आता, जो रहता नॉर्मल रहता। और उसके लिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे करना आप लोग को इसको हटाना। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑपरेटर तो हो ऑलरेडी हूँ। तो चलते गेम मोड आप लोग को चेंज करता हूँ। और यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गया था इसलिए थोड़ा ये हो गया, मेरा दिन हो गया लोग को मारते मारते। तो गेम मोड डाल के क्रिएटिव आप लोग को लेकर क्रिएटिव या स्पेटेड मोड आप लोग को जो भी जाना। तो मैं जाता हूँ क्रिएटिव में, इसको इंटर। तो मैं यहाँ पे आ गया गेम मोड क्रिएटिव में। तो चलते हैं और सर्वर को थोड़ा टेस्ट करते हैं TNT/24 के, जैसे पता चल सके लोड ले रहा है कि नहीं हमारे सर्वर। तो कहाँ पे फोर TNT ये जगह सही है, यहीं पे फोड़ता हूँ। तो यहाँ से मैं TNT ले लेता हूँ। TNT ले लिया और फ्लिंट एंड स्टील ले लेता हूँ यहाँ से। फ्लिंट एंड स्टील हमारा ये ले लेने का, तो यहाँ पे लगा देता हूँ। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे लगेगा नहीं, तो सामने जाके लगाना होगा। तो सारा TNT लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ TNT को। तो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया और साधूर चलाता हूँ। तो लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है, वो लगभग उतना भी बुरा नहीं है। 3 GB के हिसाब से लगभग ये एकदम अच्छा है खेलने के लिए, यानी कि अपना फ्रेंड लोग के साथ आराम से 10-15 लोग के साथ आराम से खेल सकते। तो मिलते यही आज का वीडियो, तो मिलते आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या कैसा कैसा बनाना चाहिए, अगर आप लोग को SS न्यू और सर्वर के बारे में पता है तो मुझे भी बताइएगा थोड़ा और अच्छे सर्वर के बारे में, अच्छा सर्वर है तो। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पहले ही बता दिया कि क्या मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग डॉट वॉट कैसे हटा सकते हो। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब से बाय बाय।